सीट देने का चक्कर में है और 35,000 देने का चक्कर में नहीं है, और 2024 का इलेक्शन जो है सो जीतने के चक्कर में है और उस वैकेंसी को बचाकर। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए अभी हम पटना के बिकना प्रहारी में मौजूद है। आपको बता दें कि अभी NTPC रिजल्ट धांधली को लेकर जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। कल भी राजेंद्र नगर में धरना प्रदर्शन करते जिसको लेकर पटना पुलिस ने बेरहमी से अभ्यर्थियों को पीटा था। इसी बीच आज पटना के बिकना प्रहारी में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं लगातार उग्र होते दिख रहे हैं, और एक तरफ इधर देखिएगा तो जो पुलिस है, प्रशासन है पटना का, वो भी एक तरफ मौजूद है। कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कल आप लोगों को बेरहमी से पिटा गया, क्या कहिएगा? हाँ, ये बिल्कुल जो है कैंडिडेट के साथ साथ और ये मीडिया कर्मी को भी मारपीट किया गया है, ये बहुत गलत है। और रिजल्ट का जो है वो रिजल्ट में जो 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए वो 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए। अरे आपको एग्जाम लेना है तो एक ही लड़का का 5 बार बुलाने से अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग को मिलेगा, मौका तो दीजिए। आप क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताइएगा। हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, और यहाँ पर चुनाव का टाइम आता है तो उसका डेट निकल जाता है, लेकिन हम लोग का डेट के लिए जब परीक्षा रहेगा ना तब 20 दिन पहले बोलेगा कि CBT 1 CBT 2 लेंगे, और 5 गुना रिजल्ट देने के लिए बोला गया था NTPC में, जो कि पूरा धांधली किया गया है। और 35,000 सीट है, उस प्रकार से रिजल्ट नहीं दिया गया, और सीट बचाने के फेर में है, और 10 से 12 हज़ार लड़कन को सीट देने का चक्कर में है, और 35,000 देने का चक्कर में नहीं है, और 2024 का इलेक्शन जो है सो जीतने के चक्कर में है, और उस वैकेंसी को बचा कर रखने के फेर में है। यहाँ पर पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर हम बिना नोटिफिकेशन के अभी ग्रुप डी 3 साल पहले दिया था डेट, अभी कह रहा है कि हम CBT 1 और CBT 2 लेंगे, मतलब क्या है ये? बिल्कुल पूरा मतलब कि बोलता है आत्मनिर्भर बनाएंगे, यहाँ शिक्षा व्यवस्था को नहीं देख रहा है आत्मनिर्भर बनाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो उग्र दिख रहे हैं, सीट धांधली को लेकर बोल रहे हैं कि जितना सीट देना चाहिए उतना सीट ना दे के कम सीट दिया जा रहा है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि तमाम बिहार के अनेक जिले में रेल जाम कर दिया था लोगों ने, स्टेशन पे उग्र आंदोलन कर रहे थे जो अभ्यर्थी, काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हैं उनसे भी हम बात करेंगे, अंदर में अभ्यर्थी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन जी, NTPC के अभ्यर्थी हैं? जी हाँ, एकदम लगातार धरना। ग्रुप डी दोनों के हैं। अच्छा, दोनों के हैं। SSC भी हैं, लेकिन NTPC के भी एग्जाम दिए हैं। रिजल्ट में हम लोग को रोका गया, नुमरलाज ने घटा दिया है नंबर, 68 नंबर मेरा था, घटा के 62 कर दिया। उसका बताइए, वो तो बोला कि नोटिफिकेशन में हम बोले पोस्ट वाइज ठीक है, लेकिन ये थोड़े बोला कि CBT 1 में ऐसा देंगे वुमेन्स के बारे में। उसके बाद नोटिफिकेशन में बोला, नोटिफिकेशन में कहा कि ग्रुप डी का CBT 2 होगा, बोले हैं नहीं बोले हैं, लेकिन क्यों ला दिए 1 महीना पहले ला दिए, ये तो अनर्थ है पूरा। कल आप लोगों को लाठी बरसाई गई, 8 साल से तैयारी में लगल है, मतलब कि सही से वैकेंसी नहीं देना है, देना है तो एग्जाम सही से नहीं लेना है। ये सब बताइए कितना आफत, हम सब बहुत गरीब परिवार के हैं। जी जी बिल्कुल। 2000 रेंट दे के 4000 रुपया गैस तैस में मिला के 6-7 हज़ार खर्चा करते हैं, सोचे कई गुना। फार्म में 500 रुपया लिया, उसको कितना के आया कितना के नहीं आया है बताइए, कितना ये सब जुनून है कि नहीं सरकार के। अब लड़का कर शांति, DM साहब बोल रहे हैं शांति से 90 लाख शांति से किया ट्यूट, कहाँ गया? खाली शांति से छोड़ गए। कल आप लोगों को पीटा गया, बहुत पीटा गया, मारा गया, गाड़ी गाली ऐसा कि क्या कहें भैया, इतना गंदा गाली कि हमको निकलता है नहीं। लड़का में क्या गलती है, नहीं सुन रहा है तो धरना देवन करेगा, कहीं लाइट तोड़ रहा था थोड़े, ऊपर से रोड़ा पत्थर आईटा सब दिया, भी मतलब मारा लड़का के माई बहन के भी गाली दिया, लड़का पूरा माई बाप कर रहा था, यूँ नहीं छोड़ा, जान मारने के फिगर में। सरकार जो है बिल्कुल इसको मतलब आने के लायक है कि नहीं बोल रहा, रोजगार देने के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल खास करके रेलवे में उस सीधे सीधे लड़का कह रहे हैं कि हट जाओ, टेंशन 1 महीना पहले एग्जाम से बोल रहे हैं 2 गो एग्जाम होगा, तो क्या टेंशन है कि नहीं? लड़का माइंडली प्रेशर होकर छोड़ देगा, अब बताइए छोड़ देगा कहाँ जाएगा, प्राइवेट में कौन रखेगा 10 हज़ार में इतना ना लड़का के, ये तो गरीब लड़का के माध्यम है ना। बिल्कुल देख सकते हैं जो आम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती
है, तमाम बिहार के अनेक जिले से आते हैं और पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, रेंट देना पड़ता है और कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता है और जिसमें रिजल्ट में लोगों को फेल कर दिया जाता है, पास नहीं किया, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। आपको बता दें कि धांधली की लगातार जो अभ्यर्थी है वो बात कर रहे हैं और लगातार उग्र होते दिख रहे हैं। बिहार के अनेक जिले में आज भी आंदोलन हो रहा है और कल भी हो रहा था, लगातार अभ्यर्थी है आंदोलन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और उनसे ही बात करें, क्या नाम है भाई? सुनील कुमार। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करेंगे, हाँ खुल के करेंगे आंदोलन। पीटा गया, डर नहीं लग रहा है क्या? कोई डर नहीं, वैसे भी मर गए हैं 5 साल से पटना में, अब मरिया जाएंगे तो क्या होने वाला है जी। हाँ, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं अभ्यर्थियों क्या बोल रहे। बोलिए भैया, UPSC में 15 रिजल्ट देता है, वहाँ पे 25 पोस्ट रहता है, वहाँ पे बच्चों को नहीं छाटता है पोस्ट मैच, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। मेंस होता है वहाँ भी पोस्ट मैच नहीं छाटता है, UPSC इंटरव्यू होता है वहाँ भी पोस्ट मैच नहीं छाटता है, बाद में मेरिट के आधार पर सबको पोस्ट मिलता है। लेकिन CBT में ऐसा क्यों हो रहा है? NTPC में यहाँ बच्चे को पहला ही छाट दिया जा रहा है, जिससे क्या बच्चे का भविष्य खिलवाड़ हो सके, उनको उनका हक नहीं मिल पाए। बताइए कहाँ ये उचित है, बताइए आप ही। हम यही चाहते हैं सरकार से, एक सीट, एक रिजल्ट, एक बच्चा, तो आगे का प्रक्रिया आप कीजिए। कल रेल के आगे आप लोग कूद गए थे, रेल क्या लगता है आप लोगों को? मजबूरी है ना भैया, आज जिंदगी भर घुट घुट के मरेंगे, आज मर जाए बताइए, जिंदगी भर कहते घुट घुट के मरेंगे, उससे आज मर गए एक दिन खत्म हो जाए ना, तब ना हम जाएंगे तब ना कोई ना कोई सुनेगा हमारी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं कल ट्रेन के आगे कूद गए थे और लगातार अभ्यर्थियों को पीटा गया, लगातार आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी। आज बिकना पहाड़ी में लोगों का आंदोलन चल रहा है, क्या बोल रहे? और जो भैया पुलिस वाले प्रशासन वाले, आप हम पे आज लाठी बरसा रहे हैं, कल आपके बच्चा सर न्याय होगा तो हम लोग का खोजिएगा क्या, हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा, मांगिएगा तो क्या कीजिएगा आप लोग बताइए? आपके बच्चा, आपका भाई बहन बेटी क्या कीजिएगा बताइए? आज आप लाठी चला रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन 9 घंटा चला कल, लेकिन बाद आप लाठी क्यों चलाए? जी बिल्कुल, बताइए समाधान नहीं निकाल पाएंगे लाठी मार के। सरकार की मंशा ही नहीं है क्या नौकरी देने की? मंशा ही सुन, देख नहीं रहे हैं आप, हर चीज का सीट कम हो रहा है, CGL में 20,000 सीट 4,000 सीट पे आ गया, और एयरफोर्स में क्या CDPO में 9,000 सीट 4,000 आ गया, क्या हो रहा है? सब सीट कटा जा रहा है, सब जगह प्राइवेट आदमी को घुसाया जा रहा है। किस लिए? कि प्राइवेट आदमी राज कर सके, छोटा छोटा सैलरी दे, 10,000-15,000 सैलरी दे और राज कर सके, बड़े बड़े उद्योगपति के जेब में पैसा जा सके, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर किया जा रहा है। बिल्कुल, देख सकते हैं अभ्यर्थी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित दिख रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और है, क्या बोल रहे? जी जी, NTPC का रिजल्ट के लेकर बहुत गड़बड़ किया गया है, 11 गुना रिजल्ट है, इसको 20 गुना देना चाहिए, सरकार मादरचोद है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का सब का भविष्य। अशब्द अशब्द वर्ड का मत यूज नहीं, नहीं 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 नहीं, आप भी पढ़ने लिखने वाले छात्र। जी जी, पढ़ने वाला लिखने वाला, वो तो 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, 11 गुना का रिजल्ट दिया, उसको 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, उसको 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, गड़बड़ किया है, लड़का कुछ भी कर सकता है। संस्था बेच रहा है जिससे बच्चा नौकरी ना देना पड़े, सरकारी संस्था सब बेच रहा है, गलत कर रहा है, उसको 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, सरकार में गलती है, सरकार माधव चौध है। बिल्कुल, देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। बिकना पहाड़ी इलाका ये, कल राजेंद्र नगर में ये लोग आंदोलन करते हैं, जिसमें पटना के SSP भी पहुंच गए थे और तमाम जो पुलिस कर्मी थे इन लोगों पे लाठी बरसाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर आज भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखना ये होगा क्या कुछ होगा, कब तक इनका मामला शांत होता है। कुछ अभ्यर्थी और है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? NTPC के अभ्यर्थी हैं। जी जी, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम लोग का तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक 20 गुना रिजल्ट नहीं दे सरकार। मांगे पूरी नहीं हो रही है? जी नहीं पूरी, बार बार विरोध किया जा रहा है बात को। क्या भाई क्या बोल रहे हो? 20 गुना के साथ 1:1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट को 3-3 जगह 5-5 जगह नहीं देना है। जी जी, और सब बाकी सब तो जान ही रहे हैं, कल पुलिस के द्वारा पत्थर लाठी चार्ज की जगह पत्थर फेंका गया है रेलवे स्टेशन पे, लेके खड़े हैं अभी भी लाठी लेके खड़े हैं प्रशासन लोग। डर नहीं लगता है क्या आपको? डर क्यों लगेगा, पूरा स्टूडेंट जमा है यहाँ पे, तो डर हम लोग को क्यों लगेगा, प्रोटेस्ट करने ही आए हैं तो प्रोटेस्ट करके जाएंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने सुना अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिकना पहाड़ी इलाके में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल ये लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर पटना SSP भी पहुंच गए थे और तमाम जो पुलिसकर्मी थे लगातार ताबड़तोड़ लाठियां भी बरसा रहे थे, पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिसकर्मी या फिर अभ्यर्थी
सुर्खियों के बीच देखना ये होगा क्या कुछ होता है। लगातार आपको हम तस्वीर दिखाते रहेंगे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।